स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है, काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियाँ परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, बैट्स बनाने का काम किया। मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? सर, आई एम फाइन। एंड हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन? सर, आई एम स्टिल वर्किंग अलोंग विद माय 30 वुमेन। इन सच अ शॉर्ट पीरियड यू हैव रीच 30% टीम? यस सर, दिस ईयर आल्सो मोर एक्सपांड विद 100 वुमेन इन माय एरिया। सो योर टारगेट इज 100 वुमेन? या 100 वुमेन। एंड नाउ पीपल आर फैमिलियर विद दिस लोटस स्टेम फाइबर? Yes, sir. Everyone knows from Mann Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Mann Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। इतने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। मन की बात का ये 100वां एपिसोड था और मन की बात भारत की बात बन चुकी है। कैसे प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे उद्योग और हर कला को मन की बात से उजागर किया। वोकल फॉर लोकल हो, चाहे पर्यावरण हो, एजुकेशन हो, रोज़गार हो, हर संबंधी बात पूरे देश के सामने रखी। इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिली कि अगर कहीं कोने में बैठकर एक व्यक्ति इतना देश के लिए अपना समर्थ के साथ आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं। और मन की बात का मकसद भी यही था कि पूरे भारतवर्ष को एक दूसरे हिस्से के साथ जोड़ना, और उसमें प्रधानमंत्री जी बहुत ही कामयाब रहे हैं और लोगों के बीच में एक सौहार्द का वातावरण भी बना है और एक दूसरे से मेलजोल भी बढ़ा है।